नमस्कार दोस्तों, बिज इंडिया में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी शेयर और शेयर मार्केट से रिलेटेड बात करते हैं, जहाँ पे आपका स्मार्ट तरीके से पैसे आप गेन कर सके, अर्न कर सके और कंपाउंडिंग कर सके अपने पैसे को। चलिए अब हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पे एक छोटा सा धमाका हुआ एक छोटे से शेयर में। क्या हमें उसे बाई करना चाहिए और क्यों बाई करना चाहिए, उसके पीछे का मोटिव क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये जानना जरूरी है। चलिए अब वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और चलते हैं उस शेयर पे। देखेंगे मैंने इसमें 1 डे का कैंडल स्टिक लगाया है 1 डे का, और यहाँ पे देखा जो ओपन हुआ हो रहा है 25 रुपए 31 पैसे के आसपास ओपन हुआ, और जो उसने हाई लगाया था आज 26 रुपए 57 पैसे, फिर उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि ये कहीं अपने इस लेवल को ब्रेक करता है 26 रुपए 89 पैसे को, तो ये जाएगा यहाँ पे 27 रुपए 75 पैसे, और 27 रुपए 75 पैसे को कहीं ब्रेक करता है तो उसका जो नेक्स्ट लेवल होगा 28 रुपए। इसके बाद जब वो ब्रेक करेगा तो फिर ये सीधा डायरेक्ट जाएगा 29 रुपए 20 पैसे के आसपास, फिर ये नेक्स्ट इसके बाद ये ब्रेक करता है तो 30 रुपए 75 पैसे के आसपास जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, जो मेरा लेवल होगा यहाँ पे टारगेट होगा 30 रुपए का होगा फर्स्ट टारगेट, मतलब कि 100 शेयर लिया तो 50 शेयर काटा, 50 शेयर होल्ड पे नेक्स्ट टारगेट के लिए। उसके बाद इसमें क्या होगा कि 30 रुपए के बाद जब ये तोड़ेगा तो आराम से 32 रुपए 33 रुपए आराम से उड़ते हुए निकलेगा। अब बात आती है कि हम इसे बाई क्यों करें, इसके पीछे का रीजन क्या है बाई करने का। सबसे बड़ा रीजन यही है कि फेस्टिव सीजन है। फिर आप कहेंगे फेस्टिव सीजन से इसे इसका रिलेशन क्या है, बहुत बड़ा रिलेशन है, चलिए बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे पीसी ज्वेलर्स है, जी हाँ ज्वेलर्स की बात करें तो इस फेस्टिव सीजन में हर कोई कुछ ना कुछ खरीदता है, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर होता हो, हर कोई खरीदता है इस फेस्टिव सीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस लोग परचेस करेंगे तो यहाँ पे इस कंपनी की अर्निंग भी होगी, जब अर्निंग होगी तो अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके रिटर्न प्रोफाइल के बारे में। देखिए रिटर्न प्रोफाइल में बात करें तो 1 वीक में इसमें 10% की गिरावट है, तो यहाँ पे अभी चांस है बाई करने का। और वहीं बात करें 1 मंथ की तो 1 मंथ में 5% की गिरावट है, और 1 ईयर की बात करें तो 77% का इसने रिटर्न दिया है। ठीक है, और वहीं बात करें एंट्री पॉइंट की तो देखेंगे यहाँ पे ओवरबॉट जोन में नहीं है, वो आपको भी पता है, तो यहाँ पे आप इजीली एंट्री ले सकते हैं। डिस्क्लेमर के रूप में हम आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है शेयर्स को बाई और सेल करने का, जो भी आप बाई करिए अपने रिस्क पर ही बाई करना है आपको, क्योंकि हमें जो बताना था हम जो बता रहे हैं वो मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ और एजुकेशन पर्पज़ के लिए। वही बात करें होल्डिंग की, देखेंगे तो होल्डिंग में से 54.53% का टोटल प्रमोटर होल्डिंग है। वहीं डोमेस्टिक की बात करें तो 1.49 और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अभी स्टार्ट किया 0.59% की होल्डिंग है। ठीक है, एक पीसी ज्वेलर है, उसके बाद एक और ज्वेलर कंपनी है वो है टाइटन, वो आपको पता है जबरदस्त कंपनी है टाटा की। और जो तीसरी कंपनी है यहाँ पे अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है कल्याण ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स में भी अच्छा खासा 13% का रिटर्न देखने को मिला। और वहीं 1 वीक की बात करें तो यहाँ पे 7% का और 1 मंथ में 12% का रिटर्न शो कर रहा है। तो इसमें भी आप चार्ट पे एनालिसिस करके होल्ड कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी जरूर सब्सक्राइब कर दें बिज इंडिया को लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।